आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का चैंपियन इंग्लैंड अपने घर की परिस्थितियों में हमेशा से तो नहीं लेकिन बीती कई टेस्ट क्रिकेट सीरीज से शेर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने वहां ऐसे सीरीज के बीते फिर से बोलता है अरे क्या यार बोली बुला लेते हो कोई आता नहीं इंग्लैंड का क्रिकेट इन दिनों उफान पर है क्योंकि उसने हाल ही में 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उसकी जीत के क्या मायने रहे इस बात पर न जाया जाए तो चैंपियन चैंपियन होता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ठीक बाद इंग्लैंड की टीम अपनी ज़मीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुप्रतीक्षित ऐसे सीरीज खेलने जा रही है। ऐसे सीरीज के बारे में बता दूँ कि इंग्लैंड टीम ने बीती चारों सीरीज अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से जीती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में हालांकि स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी हुई है, निश्चित रूप से उसकी बल्लेबाजी में कुछ धार आएगी, जैसा कि डेविड वार्नर ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाकर साबित किया। लेकिन स्टीवन स्मिथ को अपने फॉर्म में लौटना होगा क्योंकि उनका मुकाबला सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट से है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी टिम पेनी कर रहे हैं क्योंकि स्टीवन स्मिथ 1 साल का प्रतिबंध भुगतने के बाद टीम में आए हैं। मेरे साथ हैं क्रिकेट विशेषज्ञ क्रिकेट कोच भाई संतोष नायर जी, मैं गौरीशंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में इस खास शो में उनका स्वागत करता हूं। सर ऐसे सीरीज को कैसा देखते हैं आप? ऐसे सीरीज गौरी भाई जैसा इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती है वैसे उनके लिए राइवलरी सीरीज है और ये आज से नहीं है, सनातन से जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है जब से चल रहा है और ये फाइटिंग एक क्रिकेट को लेके कम ज़्यादा एक दूसरे पे ज़्यादा, जैसे अपने वाला जो रूट वर्सेस स्मिथ ये है, एंडरसन वर्सेस स्टार्च, तो ये चीज़ें फाइट होती हैं यहाँ पर। आपके कहने का मतलब वन टू वन फाइट है। पाकिस्तान जो है वो कभी हम ही थे, हम ही लोग थे, बांग्लादेश भी हम थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो राइवलरी बढ़ गई उसके अंदर, तो जो बिगड़े अंग्रेज थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया गया था, हैं वो अंग्रेज ही, लेकिन जब दो देश बने दो टीमें बनी तो उनकी प्रतिद्वंदता नहीं क्या बढ़ गया। स्टाइल बॉडी लैंग्वेज सीरीज से देख लो या सर डॉन ब्रैडमैन की इनिंग से देख लो, तो आज से क्रिकेट की इनका पहनापन नहीं है, आज इनकी क्रिकेट अब 1-1 हो गई। पहले एक पहले आप बोलते थे जैसे ब्रांड लारा सचिन तेंदुलकर तो भी इनका जो अलग अलग स्टाइल होते थे, लेकिन आज 1-1 नेटवर्क मार्किंग है, इस तरह से बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराया था और वह चैंपियन भी है और अपने देश में ही उसने ऐसा कारनामा किया था। आपको लगता है इंग्लैंड को इस बार भी घर में खेलने का फायदा मिलेगा जबकि बीती 4 सीरीज से वह अपराजय है? बिल्कुल मिलेगा गुरु जी, 70% में अभी इंग्लैंड इनके पहले टेस्ट में हावी रहेगा और ये जो टेस्ट होते हैं 5 टेस्ट मैच में इंग्लैंड शुरू के 2-3 टेस्ट पर तो बहुत वन साइडेड खेलेगा, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया जरूर लौट सकता है, लेकिन 2 टेस्ट मैच में आपको बता दूँ कि इंग्लैंड के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये सीरीज इंग्लैंड के नाम रह सकती है? अच्छा, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के लौटने के क्या मायने मानते हैं आप ऑस्ट्रेलिया टीम में? वो बैन से लौटे हैं और कहीं ना कहीं स्मिथ का खेल प्रभावित दिखा, आपने देखा कि वनडे में भी उनको फाइट करना पड़ी लेकिन वार्नर ने अपनी लय पकड़ ली है, तो स्मिथ को भी टाइम लग रहा है और कहीं ना कहीं वो कैप्टन नहीं है तो कुछ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं बस। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने घर में खेली गई आखिरी ऐसे सीरीज 4-0 से जीती थी, तो ऑस्ट्रेलिया को इस रिकॉर्ड से इस स्कोर से कुछ बल मिलेगा? नहीं सर, आत्मविश्वास बड़ा होगा, रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड रहेगा, कल अब नया दिन है, 1 तारीख परसों अब नया दिन है, पहला दिन है, अब नए सीरीज है, नए प्लेयर आ गए हैं, नई चीज़ें हो चुकी है, नए विकेट से नए समीकरण है और ये नए इतिहास तो बनते हैं और टूटने के लिए बने, लेकिन मैच नया है और मैच में नई चीज़ें सामने देखने को मिलेगी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, इंग्लैंड की गेंदबाजी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी, कितना प्रतिशत देंगे आप इनको? इंग्लैंड में इंग्लैंड टफ है और बॉलिंग में भी टफ है, दोनों चीज़ में मैं बता रहा हूँ, 70% पहले मैच में हमने आपको बोल दिया है, 70% इंग्लैंड है, 30% ऑस्ट्रेलिया। यदि हम टेस्ट क्रिकेट के स्तर की बात करें तो आपको याद होगा इसी जो रूट की कप्तानी वाली टीम वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम मानी जाती है, मैं लॉयड के ज़माने की बात नहीं कर रहा, रिचर्ड्स के ज़माने की बात नहीं कर रहा, रिचर्डसन की रिसेंटली बात है, वो 2 टेस्ट हार गई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में, तो आप ऐसा मानते हैं कि इसके बाद भी वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम मजबूत है?
सर इंग्लैंड अभी अभी एग्जांपल आपके सामने ही आयरलैंड के अगेंस्ट अपन 85 पे आउट हो गए, आपने बोला कि मैच है बहुत है, नीड बी टीम खिला दी, कुछ बैट्समैन को एक्सपेरिमेंटल किए, कुछ ने ऐसा किया, लेकिन आप देखिए जब 38 पे आयरलैंड बैकफुट हुई तो आपके सामने दिख गया कि कौन बड़ी टीम है कौन छोटी टीम है। इस ऐसे सीरीज को ICC टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में शामिल किया गया, क्या आपको लगता है कि ऐसे जो हमेशा से रोमांचक रही है अति रोमांचक हो जाएगी? और अति रोमांचक हो जाएगी। मैं कह ही रहा था कि अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ल्ड क्रिकेट का देखा है तो ये दो टीम ऐसी है जो क्रिकेट को सारी चीज़ें देती है, टेक्निक से लेकर एवरीथिंग। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम लोग कॉपी करते हैं इनकी, हम टेक्निक को कॉपी करते हैं, हम इनकी ट्रेनिंग को कॉपी करते हैं, हम इनके विकेट्स को कॉपी करते हैं, हम इनके एटमॉस्फेयर कॉपी करते हैं, हम सब चीज़ कॉपी करते हुए आए हैं। हमने सिर्फ एक चीज़ में अपनी मास्टरी हासिल करी है, वो नेचुरल टैलेंट बैटिंग में। एलन बॉर्डर, उसके बाद मार्क टेलर के बाद स्टीफन वॉ के बाद रिकी पोंटिंग के बाद माइकल क्लार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के वो कप्तान रहे जिनके साथ साथ स्टीवन स्मिथ भी चले प्रतिबंध के पहले, लेकिन टिम पेनी को ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान बनाया। उनके रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ है, 9 मैच में से 3 जीते, 4 हारे, 2 ड्रॉ रहे, जबकि जो रूट ने 28 मैच खेले हैं कप्तानी में, 15 जीताए, 11 हारे और 2 ड्रॉ रहे। इन दोनों कप्तानों का आप विश्लेषण कैसे करते हैं, इनकी व्याख्या कैसे करते हैं, इनकी ताकत कैसे मापते हैं? जो रूट एक समझदार कप्तान है और जो रूट अभी वर्ल्ड कप में भी टीम में टीम पैन, अभी टीम में लौटेंगे एज ए कैप्टन, टीम में नहीं थे वर्ल्ड कप की टीम में, लेकिन जो रूट जो कैप्टन के रूप में है और जो परिपक्व प्लेयर है, एक उनके स्ट्रेंथ है बैटिंग में, 1 डाउन आते हैं और सीधे बल्ले से बैटिंग करते हैं और बैटिंग का उनका अच्छा एवरेज है, और एक टीम की बड़ी नींव है अगर हम देखा जाए तो, बड़ी टीम का नींव के रूप में देख लेंगे। वहीं टीम पैन की स्थिति ये है कि टीम पैन एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया अभी असमित स्थिति में, उनने पैटिंगसन को बुलाया, उनने हेजलवुड को बुलाया, और सबसे बड़ी गलती थी कि हेजलवुड को इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं रखा, ये तो वर्ल्ड कप में शायद वो विनर होते हैं। जो जेफ्रो आर्चर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें भी इंग्लैंड टेस्ट मैच में खेलने का मौका दे रहा है, वो कैसे मानते हैं आप? सर इस वर्ल्ड सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है, जेफ्रो आर्चर के कारण ही इंग्लैंड ऊपर आ गया है। ये यदि हम आंकड़ों पे जाएं नायर साहब, तो कुल 70 सीरीज हुई हैं, 33 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, 32 इंग्लैंड ने जीती है, 5 ड्रॉ रही, आपको लगता है कि स्कोर लेवल हो जाएगा 33-33? नहीं, मैंने आपको क्रिकेट के पहले बता दिया कितना रोमांचक है कि 33-32 का स्कोर है, सालों से चल रहा है 33-33। हम क्रिकेट इनको देख के बड़े हुए हैं, इंडिया ने भी क्रिकेट खेला, इंग्लैंड के साथ ही खेला है पहला टेस्ट, तो आप देखते हैं कि क्रिकेट का कितने पहना पान है, कितना राइवलरी है, कितनी छोटी छोटी चीज़ पर कॉम्बिनेशन बनते हैं, बिगड़ते हैं, हर छोटी छोटी मीडिया पर हाईलाइट होते हैं, और आप देखेंगे कि असिस्ट में पूरा इंग्लैंड टीम के साथ होगा। मौसम अलग होता है, दिन अलग होता है, काल अलग होता है, परिस्थिति अलग होती है, खिलाड़ी अलग होते हैं, लेकिन जैसे जो आंकड़े मेरे पास, 134 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं इस सीरीज के और 106 इंग्लैंड ने जीते हैं, ये वर्तमान खिलाड़ियों को प्रभावित करते हैं आंकड़े? नहीं सर, आज की जनरेशन बहुत अलग है कि उनको अपना टास्क पे नज़र है और उनका अचीवमेंट पे नज़र है, वो ये नहीं सोचते कि कौन है, और आपने देखा है कि कितने फ्रेंडली और कितना ईजी हो जाता है कि क्रिकेट को खेलना, और उनके आज की जनरेशन बहुत अलग है और बहुत ही हाईटेक है, और उनको जो चाहिए वही अचीव करते हैं, वो एडजस्टमेंट वाली जनरेशन नहीं है कि एडजस्ट कर लेंगे कि चलो ये हो जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ अपने टास्क पर जाके पूरा करेंगे। इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड ने पिछली 4 जो कि मैं शुरू में कह चुका हूँ और कुल 18 सीरीज जीती है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया ने 14 सीरीज जीती है, ये आंकड़े कितने इफेक्ट करेंगे इस सीरीज को? सर ऑस्ट्रेलिया में रिकी पोंटिंग था, जब तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाकर आराम से खेलता था और एक तरफा जीतता था, क्योंकि रिकी पोंटिंग की कैप्टनशिप, रिकी पोंटिंग की बैटिंग का लेवल बहुत ऊपर था, आला था, अब वो लेवल नहीं रह गया, तो इसलिए इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया फाइट कर रहा है, और अगर स्पीड फॉर्म में आता है तो फिर कोई ना कोई चांस बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस एशेज सीरीज को ICC टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल किया गया है, 1 अगस्त 2019 से जितने भी मुकाबले 2021 जून तक खेले जाएंगे वे वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल रहेंगे। निश्चित रूप से यह सीरीज और ज़्यादा रोमांचक होगी क्योंकि दुनिया की निगाहें इस पर लगी रहती हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान सीरीज पर। हमारा यह विशेष शो आपको कैसा लगा ये इस पर ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।